हेलो दोस्तों, क्या आपको अंग्रेजी में छोटे मोटे सेंटेंस लिखना भी नहीं आता? जैसे ही आप कोई सेंटेंस लिखने बैठते हो तो आप सोचते हो कि यार इसमें कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी मेन वर्ब आएगी, ऐसे हज़ार तरह के डर आपके दिमाग में आ जाते हैं और आप क्विट कर जाते हो। तो आपके इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमने इसी चैनल पर ट्रांसलेशन सिखाने वाले बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। उसी क्रम में एक बहुत शानदार छोटा सा प्रयास, यानी जिसको बिल्कुल भी नहीं आता ना, इस प्रयास से वो भी सीख जाएगा। अक्सर कहता हूँ ना, आपको सिखा के छोड़ूंगा, मतलब सिखा के छोड़ूंगा, ये बात अंदर से आती है। क्योंकि आप कमेंट ऐसा करते हो, सर मेरी एज 70 ईयर्स है, सर मैं 68 ईयर्स की हूँ। और देखिए, पुराने ज़माने में 6 क्लास से इंग्लिश शुरू होती थी, आजकल तो LKG UKG फर्स्ट से इंग्लिश शुरू हो जाती है। तो वो लोग जो अंतिम पड़ाव में उनका दर्द है, छोटे मोटे काम उनको भी पढ़ते हैं, तो वो इंग्लिश लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एग्जाम में बहुत सारे आंसर इंग्लिश में लिखने होते हैं। अरे यार, रोजमर्रा में सभी को इंग्लिश बोलनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है, तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, शुरू करने से पहले वो जानकारी मैं पहले दे ही देता हूँ आपको। जानकारी ये है, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है, पसंद आती है, और आप चाहते हो कि सारे वीडियोज, सारे टॉपिक्स आपको सीक्वेंस में मिल जाए, तो ये चीज अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने सारी ग्रामर को सीक्वेंस में कवर किया है विद PDF नोट्स। आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। परचेज नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, यूट्यूब पर आपका वेलकम है, एक से एक वीडियोज हैं, आते रहेंगे। इसके अलावा यदि आप स्पोकन सीखना चाहते हो तो उसमें हल्ला बोल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी है, आप चाहो तो वही परचेज कर सकते हो, ज्यादा फीस नहीं है। नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए, एक सेंटेंस आपके सामने है, इसको हमें ट्रांसलेट करना है। राम अपने मित्रों के साथ स्कूल, ठीक है, यहां तक जानकारी है। लेकिन इसका अंत में जाता है, गया था, जाएगा, जा रहा है, जा चुका है, जा सकता है, जाना चाहिए, वो मैंने नहीं लिखा, लिख दूंगा। तो कहने का मतलब है ये सबसे जरूरी वर्ड है। देखिए, सेंटेंस बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन 90% सेंटेंस इनसे कवर हो जाते हैं। लगभग मतलब हम दिन भर जो बोलते हैं, लिखते हैं ना, बहुत तरह के सेंटेंस होते हैं, लेकिन यदि आप उनको कैलकुलेट करें ना, तो 90% सेंटेंस का एंड ऐसे होता है। आप बोलते हो कोई काम होता है, कोई काम हुआ था, कोई काम होगा, कोई काम हो रहा है, कोई काम हो चुका है, या कोई काम हो सकता है। तो ध्यान रखना, जो अंत एंड पार्ट है ना, वो किसी सेंटेंस में ट्रांसलेशन के सही होने की है। देखिए, ये जो वर्ड है, हालांकि ये भी वर्ड है, लेकिन काम के वर्ड ये हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन हमेशा हिंदी से इंग्लिश में उल्टी होती है। हिंदी में तो देखो, राम अपने मित्रों के साथ स्कूल जाता है, मतलब जो जैसा हमने बोला ना वैसा ही लिखा, लेकिन इंग्लिश से, लेकिन हिंदी से इंग्लिश में जब आओगे ना तो उल्टा हो जाता है। कैसे? राम, ठीक है, उसके बाद अब अपने की अंग्रेजी यहां नहीं आएगी, मित्रों की अंग्रेजी यहां नहीं आएगी, यानी सब्जेक्ट के बाद सबसे लास्ट में चले जाइए। और लास्ट के जो वर्ड है ना, वो सबसे काम के वर्ड है, उनकी इंग्लिश तो लिखी जाएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब उन्हीं में है। इंग्लिश का चक्कर यही तो है कि सब्जेक्ट यानी करने वाला, ये तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सबसे पहले आता है, लेकिन अंग्रेजी में जब ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो अंत में जो क्रिया होती है, जो काम होता है, जो एक्शन होता है, जिसे इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, और वर्ब के साथ बहुत सारे टेंस में हेल्पिंग वर्ब भी आती है, वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आती है। अब देखिए, इसी सेंटेंस में मैंने सारे स्ट्रक्चर एक साथ लिख दिए, तो इन स्ट्रक्चर की अंग्रेजी मैं आपको लिखने जा रहा हूं, यानी इनकी अंग्रेजी ये बनती है, वो उठा के आपको यहां पे रखनी है। राम अपने मित्रों के साथ स्कूल जाता है, होता है इसमें, तो यहां पे आएगा गोज, ठीक है, गया था तो फिर पास्ट हो गया वेंट, जाएगा तो फिर विल गो, आप ये नोट कर लेना, जा रहा है तो फिर इज गोइंग, जा चुका है तो फिर हैज गॉन, और जा सकता है तो फिर कैन गो, और जाना चाहिए, लिख देता हूं, राम को मित्रों के साथ स्कूल जाना चाहिए तो फिर शुड गो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। बस ये मेन चीज है, ये यहां से उठा के, मतलब अंतिम जो वर्ड है ना, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है, जो वर्ब है, उसको आपको यहां पे लिखना है। अब आपको क्या करना कि किसी सेंटेंस में, अब देखो यहां पर तो जाना, मैंने जाना क्रिया ली, अब मैंने खेलना लेता तो खेलता है, खेलता, खेला था, खेलेगा, खेल रहा है, और खेल चुका है, खेल सकता है, खेलना चाहिए, तो यहां पर गो की जगह क्या आ जाएगा, प्ले आ जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, प्लेज, यहाँ पे प्लेड सेकंड फॉर्म, यहाँ पे विल प्ले, यहाँ पे इज प्लेइंग, यहाँ पर हैज प्लेड, यहाँ पर कैन प्ले, और यहाँ पर शुड प्ले आ जाएगा। ऐसे खाना आ जाए, मित्रों के साथ खाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईट्स, यहाँ पे सेकंड फॉर्म एट, यहाँ पर विल ईट, यहाँ पर इज ईटिंग, यहाँ पर हैज ईटन, यहाँ पर कैन ईट, और यहाँ पर शुड ईट,
किस तरह से। तो कहने का मतलब है ये सबसे जरूरी स्ट्रक्चर है जो मोस्ट ऑफ सेंटेंस के अंत में आते हैं। आपको क्या करना है, आपको इन पर प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, देखो अब मैं इसको उठा लूं, चलो ये वाला उठा लेते हैं, गोज, राम गोज। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि ट्रांसलेशन में अंत से आता है, क्योंकि टेंस जो है ना, जो मेन चाबी है वो टेंस होता है, वो लास्ट वर्ड से खुलता है। तो यहां पे आ गया गोज, मैं इस वाले की बना रहा हूं, स्कूल जाता है। अब उसके बाद में ट्रांसलेशन का नियम क्या है कि बैक बैक आओ भाई, सबसे बैक में यह था इसकी इंग्लिश ये आ गई। उसके बाद में स्कूल, अब स्कूल की अंग्रेजी आएगी यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी ग्रामर है क्या, किसी स्थान से जब कनेक्ट होते हैं ना, जुड़ते हैं, वहां जाते हैं तो टू लगता है, टू एक प्रपोजिशन है, तो राम गोज टू स्कूल, ठीक है। अब क्या है, अब है साथ, साथ की क्या होती है विथ, के काकी के की ऑफ होती है, मित्रों की होती है फ्रेंड्स, और अपना अपने क्या होती है ये भी बता दूंगा, बट ध्यान रखना अपने मित्र, देखो साथ अपने मित्रों के, फिर ये रह गया, फिर मान लो के साथ ले लिया तो मित्रों रह गया, अपने रह, तो अपने मित्रों के साथ पूरा एक फ्रेज है, इसकी अंग्रेजी एक साथ ही, इन चार वर्ड की अंग्रेजी एक साथ ही आएगी। जैसे मित्रों के साथ तो विद फ्रेंड्स एक हो गया ना, अपने मित्रों के साथ विद हिज फ्रेंड्स इस तरह से हो गया। तो ध्यान रखना अपने मित्रों के साथ, इसकी पूरे की अंग्रेजी यहां पे लिखी जाएगी। तो राम गोज टू स्कूल, अब देखिए अपने की अंग्रेजी क्या बताएं, तो ध्यान रखना इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, जो राम है ना वो थर्ड पर्सन है, तो राम के लिए आएगा हिज, सॉरी के साथ, विद हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ, तो यहां लिख देता हूं विद हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ, ये हो गया। अब माना कि यहां पे मैं होता, मतलब मैं अपने मित्रों के साथ, तो यहां पे आई, अगर आई हो और आई के साथ अपना हो तो यहां पे आएगा माई, जैसे आई के साथ मैं अपना काम करता हूं तो आई के साथ आएगा अपने के लिए माई। यहां पे हम होता तो यहां पे आएगा अवर, ठीक है, तो आई हो गया, हम हो गया। उसके बाद यू होता, तुम अपने मित्रों के साथ है ना, तो यहां पे आएगा योर, यानी पजेसिव फॉर्म आती है, जैसे प्रोनाउन की आपने पर्सनल प्रोनाउन की पजेसिव फॉर्म होती है ना, आई की माई होती है, वी की अवर होती है, यू की योवर होती है, ही की हिज होती है, सी की हर होती है, दे की देर होती है, तो वो होती है, ठीक है। तो यहां पे हिज हो गया, तो मैंने सारी बताई थी। यहां पर सी होता, वह अपने मित्रों के साथ जाती है, तो सी के साथ क्या आएगा, हर आएगा। यहां पर दे होता, वे अपने मित्रों के साथ, तो दे के साथ अपनों के लिए क्या आएगा, देर आएगा, टी एच ई आई आर। इसमें मैंने वीडियो बनाया, वो आप जगह देख लेना, ठीक है। कहने का मतलब है अपना कोई बहुत बड़ी सिरदर्दी नहीं है, दो चार सेंटेंस में आप लिखोगे आपको नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो राम अपने मित्रों के साथ स्कूल जाता है, मतलब इसको जब पढ़ेंगे ना तो ऐसे पढ़ेंगे, राम अपने मित्रों के साथ स्कूल जाता है। अब मैंने जाता है क्यों बोला, क्योंकि गोज की इंग्लिश जाता है होती है। अब एक खास बात, मानो मैं यहां पे सब्जेक्ट को चेंज कर दूं, मैंने यहां पे लिख दिया मैं, थोड़ी देर के लिए मैं के साथ देखना, ठीक है, मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जाता हूं, तो यहां पे क्या आएगा, जाता हूं, है थोड़ी आएगा, हूं आएगा, तो फिर ये स्ट्रक्चर यहां पे गोज नहीं, यहां पे आएगा गो। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया, ये सब्जेक्ट का चक्कर है, एक बार आपको ये भी याद करना पड़ेगा, यदि हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या कोई एक नेम हो तो क्रिया में तायतीय वाले सेंटेंस में एस और यस लगता है, क्योंकि राम एक ही है, तो यहाँ पे गोज आया। अगर यहाँ पे वह होता, वह अपने मित्रों के साथ, तब भी यहाँ पे गोज आएगा, यहाँ पे वह लड़की होती तब भी यहाँ पे गोज आएगा, कोई यहाँ पे नाम होगा, नाम तो है ही है, तब भी गोज आएगा। लेकिन यदि सब्जेक्ट मैं, मतलब आई हो गया, तो आई वी यू दे या ज़्यादा हो, तो फिर इस स्ट्रक्चर के लिए जाता है के लिए गो आएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब क्रिया कोई भी चेंज हो सकती है, स्ट्रक्चर यही है। अगले में देखो, मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल गया था, अब इसमें वेंटी आएगा, क्योंकि पास्ट टेंस में सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ सेकंड फॉर्म आती है। जाएगा तो आई के साथ, अब देखो यहां पे विल और सेल दो हैं, तो आई के साथ सेल लगाते हैं, लेकिन आप एक कॉमन इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो हम सभी के साथ विल लगा सकते हैं, लेकिन आप एक स्टूडेंट हैं और करेक्ट फॉर्म वर्ब भर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आप सेल लगा दीजिए, आई वी के साथ सेल, अदर के साथ विल। तो यहां पे आप विल भी लगा सकते हो और सेल भी लगा सकते हो, पर मोस्ट ऑफ आप विल लगा सकते हैं। उसके बाद मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा हूं, तो आई के साथ फिर इस कंटीन्यूअस टेंस में एम आएगा, आई एम गोइंग, ठीक है। उसके बाद मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा चुका हूं, तो यहां पे हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी ही सीट या कोई नेम है, तो हैज आता है, और आई वी यू दे या प्लूरल है तो फिर हैव आता है। इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा सकता हूं, तो यहां पे कैन नहीं आएगा, क्योंकि सबके साथ कैन आता है, और जाना चाहिए तो मुझे अपने मित्रों के साथ जाना चाहिए, तो यहां पे सुड ही आएगा। तो जहां जहां चेंज हुए वो भी आप देख सकते हो। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, आप किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश ऐसे बना सकते हो। चलो एक सेंटेंस छोटा सा और देख लो, जैसे मैंने यहां पे लिखा मेरा भाई रोजाना एक सेब खाता है,
इसकी ट्रांसलेशन बनानी है। तो सब्जेक्ट कौन है, कौन खाता है, मेरा भाई, तो माई ब्रदर हो गया, ठीक है। अब सबसे लास्ट में चले जाइए, खाता है, तो खाता है कहाँ फिट हो रहा है इन सब में से, यहाँ पे हो रहा है। अब माई ब्रदर एक ही है, तो देखो इसी में फिट कर दो, गोज मतलब जाता है और ईट्स मतलब खाता है, तो यहाँ पे लगा दो ईट्स, क्योंकि माई ब्रदर है ना वो सिंगुलर है, एक ही है, जब करता एक ही होता है, ही सीट या करने वाला काम एक होता है, तो क्रिया में एस और यस लगाते हैं। अच्छा आप कहोगे इसमें तो यस लगाया, इसमें एस क्यों लगाया, तो जिन वर्ब के अंत में, जैसे ये गो में क्या रहा है ओ, जिन वर्ब के अंत में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ जेड आए उनमें एस नहीं ई एस लगता है, तो इसमें ओ आया इसलिए ई एस आया, जबकि इसमें टी है तो यहाँ पर वो रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो एस लगा दिया, तो माई ब्रदर ईट्स। अब देखिए इसकी अंग्रेजी ये रही, अंत से लाते हैं वापस, टेंस यहाँ पे होता है, मेन चीज़ यहाँ पे होती है, सेंटेंस सही और गलत यहाँ से होगा, तो खाता है कि ईट्स आ गई। उसके बाद में बैक आइए, अब सेब या एक सेब, तो जो एक है ना वो सेब के साथ जुड़ रहा है, तो एक सेब की आएगी। अब यहाँ पे एक के लिए क्या लगाएंगे, एन एप्पल, एन क्यों लगाया, ए क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एप्पल का प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण किसी वोवल से स्वर से हो रहा है, ए एप्पल, ए एक स्वर है तो एन आएगा, तो माय ब्रदर ईट्स एन एप्पल। अब रोजाना की अंग्रेजी क्या होती है, डेली या एवरीडे, ठीक है। तो देखिए माय ब्रदर, उसके बाद बैक बैक में खाता है कि इंग्लिश आई, उसके बाद में एक सेब की आई, उसके बाद में रोजाना की आई डेली, इस तरह से। अब इसमें ये सारे स्ट्रक्चर फिट हो सकते हैं, जैसे मेरे भाई ने रोजाना एक सेब खाया था, खाया था तो क्या आएगा, एट, ए टी एट आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट, खाया था, खाएगा तो फिर विल ईट आ जाएगा, ठीक है। अगर खा रहा है तो फिर इज ईटिंग आ जाएगा, क्योंकि माय ब्रदर के साथ इज आएगा, इज ईटिंग, ठीक है। इस तरह से खा चुका है तो हैज ईटन आ जाएगा, नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, हैज ईटन आ जाएगा, खा सकता है तो कैन ईट आ जाएगा, और खाना चाहिए तो फिर शुड ईट आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, ऐसा नहीं कि पूरी इंग्लिश यहीं पे खत्म हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लोजेज हैं, फ्रेजेज हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं, नॉन फाइनेट्स हैं, जीरंड हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादातर सेंटेंस ऐसे ही बनते हैं। शुरुआत में आपको ऐसे सेंटेंस बनाने चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस करना बहुत ईजी हो जाएगा, मतलब कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस तो करो, जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। अलग अलग वर्ब के साथ यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट चेंज करो, और कभी खाना, कभी जाना, कभी आना, कभी खेलना, इस तरह से यहाँ पर ये, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बहुत काम का है, मतलब अंत से सेंटेंस को पकड़ लो। हालांकि टेंस भी 12 होते हैं, मैंने कुछ मॉडल ले लिए, और सबसे ज़रूरी 5 टेंस ले लिए, क्योंकि मैंने अध्ययन किया है, एक्सपीरियंस किया है कि हम 12 टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। और हाँ, इसी चैनल पर शायद मैंने वीडियो भी डाला है कि टेंस तो 12 हैं पर 5 सबसे ज़रूरी कौन से है, तो वो 5 मैंने ले लिए। ये था प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये पास्ट इंडेफिनेट, ये फ्यूचर इंडेफिनेट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये मॉडल कैन का यूज, और ये चाहिए शुड, मतलब मॉडल ही है उसका यूज, मतलब ज्यादातर यही काम में आते हैं, इसलिए आपको ये बता दिए, तो आप इनको नोट कर लेना और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। हाँ, इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा छोटा सा प्रयास था, छोटे छोटे प्रयास ही रंग लाते हैं, छोटे छोटे प्रयास एक दिन बड़ी बड़ी मतलब उपलब्धि बन जाते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, मैं सिखा दूंगा, ओके।